हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खाना मनपसंद। मैं कामना चोपड़ा खाना मनपसंद में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं एक बहुत ही यमी स्नैक बनाने जा रही हूँ, दैट इज पनीर फिंगर्स। हम यहाँ पर बहुत ही क्रिस्पी पनीर फिंगर्स बनाएंगे। ये देखिए कितना थिक कवरिंग है इस पर, और ये बीच में से बिल्कुल सॉफ्ट है और कवरिंग जो है इसकी बिल्कुल क्रंची है। और अब मैं एक दूसरा फिंगर आपको दिखाऊंगी जिस पर मैंने सिंगल कोटिंग की है, ये भी काफी क्रंची है। ये देखिए पर भी काफी अच्छी कोटिंग है, अगर आप चाहें तो दोनों में से कोई भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर प्लेन पनीर फिंगर्स नहीं बनाए हैं, इसमें सॉल्ट और पेपर के अलावा भी फ्लेवर्स दिए हैं। तो अब हम जल्दी से इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेंगे। ब्रेड क्रम्स, यहाँ पर 4 ब्रेड स्लाइसेस से बने हुए ब्रेड क्रम्स हैं। मैंने इन्हें ब्रेड स्लाइसेस को पहले थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था और उसके बाद ये ब्रेड क्रम्स बनाए हैं, आप देख सकते हैं। इसीलिए कलर में थोड़े से गोल्डन ब्राउन से कलर की हैं, और इन्हें मैंने बहुत बारीक नहीं पीसा है क्योंकि वो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हो जाते हैं और वो उतना अच्छा नहीं लगता। 1/4 कप मैदा, पेपर यानी कि काली मिर्च, 1 टीस्पून अरारोट या कॉर्नफ्लावर, आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमें 2 टेबलस्पून लिए हैं, जितना मैदा है उससे हाफ क्वांटिटी है मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। ये है चाट मसाला, ये हम ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे, बट सिर्फ चाट मसाला स्प्रिंकल नहीं करेंगे, उसके लिए हम सीजनिंग तैयार करेंगे। साथ ही मैंने ली है इटालियन सीजनिंग, यानी कि इटालियन हर्ब्स ली हैं, थोड़ी सी मिक्स हर्ब्स आती हैं, इजीली अवेलेबल है मार्केट में। अगर आप चाहें तो ये अवॉइड भी कर सकते हैं। पेपरिका यानी कि ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर भी ले सकते हैं आप पेपरिका की जगह। गार्लिक पाउडर लिया है मैंने यहाँ पर, अगर आपके पास गार्लिक पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप फ्रेश गार्लिक को अच्छे से क्रश कर लें और फिर उसे यूज करें। तो अब हम पनीर फिंगर्स बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम अपना बैटर बना लेंगे क्योंकि उसको रेस्ट करना पड़ता है। अरारोट यानी कि कॉर्नस्टार्च, मैदा, इस पे हम थोड़ा सॉल्ट ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून काली मिर्च ऐड करेंगे, पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे, ये कलर भी देगा और थोड़ा फ्लेवर भी देगा इसे, ये भी अराउंड 1/2 टीस्पून है। इटालियन सीजनिंग ऐड करेंगे, आप चाहें तो यहाँ पर चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे। अब इसे हम थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड करके एक थिक बैटर बनाएंगे। वाटर थोड़ा थोड़ा ऐड करें, काफी सारा एक साथ ना ऐड करें, अदरवाइज आपका जो ये बैटर है वो रनी हो जाएगा और पनीर फिंगर्स अच्छे से कोट नहीं होंगी। थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, वो अच्छा क्रिस्प देगा। अब हम वाटर ऐड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इतना थिक बैटर होना चाहिए ये। तो अब हम इसे रेस्ट करने के लिए साइड में रख देंगे जब तक हम अपनी सीजनिंग तैयार कर लेंगे और पनीर की फिंगर्स कट कर लेंगे। तो सीजनिंग रेडी करने के लिए, जो कि हम ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे बाद में, हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड करेंगे जो कि हमारी बची है, चाट मसाला ऐड करेंगे, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे, बहुत कम सॉल्ट ऐड करेंगे, अराउंड 1/4 टीस्पून गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे ताकि इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इन सब का। हमारी सीजनिंग भी रेडी है, अब हम पनीर फिंगर्स कट कर लेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पर एक ब्लॉक लिया है, ये अबाउट 250 ग्राम्स का ब्लॉक है पनीर का। हाफ साइज में कर देंगे। पनीर फिंगर्स रेडी हैं, तो अब हम इन्हें कोट करेंगे और फ्राई करेंगे। मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत पतली नहीं होनी चाहिए और बहुत मोटी भी नहीं होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर पनीर फिंगर्स जो हैं वो बना ली हैं, आप चाहें तो इन्हें पतला भी बना सकते हैं। जब तक हमारा ऑयल गरम हो रहा है हम पनीर फिंगर्स को कोट कर लेंगे और तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो पनीर फिंगर हमने बनाए थे हम उसे इसमें ऐसे कोट करेंगे, अच्छे से ब्रेड क्रम्स में रोल करेंगे। फर्स्ट टाइम के ब्रेड क्रम्स को हम थोड़ा प्रेस कर देंगे
ताकि अच्छे से चिपक जाए। अगेन इसको हम डिप करेंगे इसमें। फिर से हम ब्रेड क्रम्स में रोल कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हम सभी पनीर के फिंगर्स जो है वो रेडी कर लेंगे। मैंने यहाँ पर कुछ फिंगर्स मोटे बनाए हैं और कुछ पतले बनाए हैं, तो आप कुछ जैसे पसंद हो आप वैसे बनाइए। इसे हम डिप करेंगे, कोट करेंगे, एक हाथ से डिप करेंगे और दूसरे हाथ से हम ब्रेड क्रम्स से कोट करेंगे। अगर आपको थिक कोटिंग नहीं पसंद, आप बारीक कोटिंग देना चाहते हैं, तो आप एक बार ही रोल करें और फ्राई कर लें। अगेन इसे डिप करेंगे। इस तरह से सभी पनीर फिंगर्स रेडी कर लेंगे। ये दो थिक वाले पनीर फिंगर्स हैं, अब मैं आपको बारीक वाला एक करके दिखाऊंगी। पनीर की थिकनेस और लेंथ खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कैसा पसंद है। ये देखिए ये बारीक वाला पनीर फिंगर है। अब हम सभी पनीर फिंगर्स को रेडी कर लेंगे एंड देन वी विल फ्राई इट। देखिए फ्रेंड्स, हमने पनीर फिंगर्स जो है वो रेडी कर ली हैं। ये डबल कोटिंग वाली हैं और ये सिंगल कोटिंग वाली पनीर फिंगर्स हैं, तो अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है, हम मीडियम हॉट ऑयल में फ्राई करेंगे, बहुत तेज में नहीं फ्राई करेंगे, अदरवाइज ये डबल कोटिंग वाली जो है ये कच्ची रह सकती है, सो हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें पनीर फिंगर्स फ्राई करेंगे। एक टाइम में ज्यादा पनीर फिंगर्स ना डालें, अदरवाइज ये काफ़ी डेलिकेट होती हैं, तो ये ब्रेक हो सकती हैं या फिर ये अच्छे से फ्राई नहीं हो पाएंगी। आप पनीर फिंगर्स को पहले से प्रिपेयर करके फ्रिज में रख सकते हैं और किसी पार्टी और फंक्शन के टाइम आप इसे दोबारा से फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए इन पर कितना अच्छा कलर आ रहा है। अब मैंने फ्लेम जो है वो थोड़ा सा कम कर दिया है। आप इन्हें शैलो फ्राई भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। हम इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। फ्राई कर दिया है फ्लेम को क्योंकि इन्हें 2-3 मिनट हो गए हैं फ्राई होते हुए। ये देखिए पनीर फिंगर्स जो है वो फ्राई हो चुकी हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। इनकी कोटिंग जो है वो बिल्कुल क्रिस्प हो चुकी है, तो अब हम इन्हें किसी टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। ये देखिए ये फ्राई हो चुके हैं और हमने इन्हें टिश्यू पेपर पर निकाल लिया है, तो अब हम बाकी की फिंगर्स भी फ्राई कर लेंगे। बट उससे पहले मैं आपको सिंगल कोटिंग वाले फिंगर्स को फ्राई करके दिखाऊंगी। इन्हें हम डायरेक्टली हाई फ्लेम पर ही फ्राई कर रहे हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा थिक कोटिंग नहीं है और मैं एक टाइम में अबाउट 8 फिंगर्स फ्राई करूँगी। इसको थोड़ा सा स्लो कर दिया मैंने क्योंकि कढ़ाई का टेम्परेचर जो है वो काफ़ी हाई हो गया है। ये फिंगर्स भी फ्राई हो चुकी हैं, तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे टिश्यू पेपर पर। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सिंगल कोटिंग वाली पनीर फिंगर्स हैं और ये डबल कोटिंग वाली। अब मैं आपको इनमें से कट कर दिखाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, पनीर फिंगर्स फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन पर अपनी जो हमने सीजनिंग प्रिपेयर की थी, हम इन पर वो स्प्रिंकल कर देंगे अच्छे से और इन्हें अच्छे से टॉस कर देंगे इससे, ताकि ये सीजनिंग का फ्लेवर भी इसमें अच्छे से आ जाए और काफ़ी फ्लेवरफुल बनते हैं ये पनीर फिंगर्स। इस तरह से हर तरफ से कोट हो जाएंगे इससे। चाहें तो किसी जिपलॉक पाउच में डालकर भी इसे अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। आप इसे हरी चटनी या फिर टोमेटो केचप, सिजवान सॉस, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब मैं आपको इस एक पनीर फिंगर जो है वो कट करके दिखाऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सेकंड डबल कोटिंग वाला पनीर फिंगर लूंगी। आप इसका क्रंच सुन पा रहे होंगे,
ये देखिए अब हम इसे कट करेंगे। ये देखिए कितना थिक कवरिंग है इस पर, और ये बीच में से बिल्कुल सॉफ्ट है और कवरिंग जो है इसकी बिल्कुल क्रंची है। और अब मैं एक दूसरा फिंगर आपको दिखाऊंगी जिस पर मैंने सिंगल कोटिंग की है, ये भी काफी क्रंची है। ये देखिए इस पर भी काफी अच्छी कोटिंग है, अगर आप चाहें तो दोनों में से कोई भी ट्राई कर सकते हैं। तो अब हम अपने इसको सर्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स तैयार है हमारे क्रिस्पी पनीर फिंगर्स। आप प्लीज ट्राई कीजिए इस रेसिपी को और मेरे साथ शेयर कीजिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। मेरा यही एफर्ट है कि आपको सभी रेसिपीज अच्छी लगें और आप इन्हें ट्राई करें ताकि आप नई नई चीजें ट्राई कर सकें और इंजॉय कर सकें। सो प्लीज इफ यू लाइक माई रेसिपीज देन शेयर दीज रेसिपीज विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग खाना मनपसंद। बाय बाय, एंजॉय दीज रेसिपीज।